आज का राशिफल 25 जनवरी 2024 गुरुवार को कन्या राशि के लोगों को करियर में कुछ बातों पर क्विक एक्शन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक विचार मंथन अवसरों को हाथ से जाने पर मजबूर कर देता है। वहीं मीन राशि के व्यापारी ग्रहों की स्थिति देखते हुए पुराने व्यावसायिक संबंध पुनः अच्छी स्थिति में आएंगे। आइए जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा गुरुवार का दिन। हमारी पहली राशि है मेष राशि। कार्य स्थल पर विवाद की स्थिति तो रहेगी, लेकिन आप सूझबूझ से शांत करने में कामयाब रहेंगे। व्यापारियों की कॉम्पिटिटर्स की संख्या में वृद्धि होगी, ऐसे में आपको उनके दांत खट्टे करने के लिए योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। युवा वर्ग की दिनचर्या यदि व्यवस्थित और अनुशासित नहीं है तो आज से ही इसे नियमित करने की शुरुआत कर दें। परिवार में कोई अनुष्ठान या बर्थडे है तो पूरे उत्साह से शामिल होकर सबके साथ मनाएं। सेहत की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। यदि किसी तरह की दवा का सेवन करते हैं तो समय का खास ध्यान रखें। हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि। इस राशि के लोगों को सहकर्मियों से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आपको लेकर गलत फीडबैक बॉस तक पहुंचाया जा सकता है। यदि किसी मुकदमे के चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे तो आपको सामने वाली पार्टी की ओर से समझौते का प्रस्ताव मिल सकता है। युवा वर्ग, अत्यधिक सोशल मीडिया और टीवी मोबाइल का प्रयोग करने से बचें। लगातार ऐसा करने से आपको अन्य कार्य से भटकने के साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में यूरिन इन्फेक्शन परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए पानी अधिक मात्रा में पिए, साथ ही साथ जरूरी एहतियात भी बरतें। हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को सहकर्मियों के साथ प्यार भरा रिश्ता रखना है। यदि किसी बात को लेकर क्रोध भी आता है तो उस कड़वी बात को भुलाने का ही प्रयास करें। व्यापारी वर्ग पैसे का लेन देन ध्यान पूर्वक करें। गलती छोटी होगी लेकिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। यदि परिवार के साथ लंबी छुट्टी की यात्रा का प्लान बनाया हुआ है तो उसे फिलहाल के लिए टालना ही उचित होगा। सेहत में खांसी जुकाम हो सकता है, जिसमें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है और आपको घरेलू उपचार अपनाने की भी सलाह दी जाती है। हमारी चौथी राशि है कर्क राशि। इस राशि के ऑफिशियल कार्य यदि आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं तो कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद फिर से काम की शुरुआत करनी चाहिए। बिजनेस पार्टनर के फैसलों पर भरोसा करना होगा। वैसे भी पार्टनरशिप को कायम रखने के लिए भरोसा बनाए रखना जरूरी है। जो विद्यार्थी किसी विषय को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान थे, उसे टीचर की मदद से सुलझा पाएंगे। संतान की डिमांड लिस्ट बढ़ सकती है, जिसे पूरा करने के चक्कर में आप काफी उलझे हुए नजर आएंगे। सेहत में उम्रदराज व्यक्तियों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सभी क्रियाएं समय पर करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ बना रहे। हमारी पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग टीम के लीडर हैं। उन्हें टीम के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए और उन्हें गाइड भी करना है। कारोबार में किसी भी प्रकार के निवेश से संबंधित प्लानिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन उपयुक्त रहे। युवा वर्ग को किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से बचना है, क्योंकि इस बार लोग आपके सीधेपन का फायदा जरूर उठाएंगे। घर के बिजली या पानी से जुड़े हुए कोई कर्ज यदि बाकी है तो उन्हें पूरा कराएं। सेहत में वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें और हेलमेट अवश्य पहनें। हमारी अगली और छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को करियर में कुछ बातों पर क्विक एक्शन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक विचार मंथन अवसरों को लेकर देरी भी करा सकता है। जो लोग अनाज का काम करते हैं उनके लिए लाभ के रास्ते खुले रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग मनोरंजन में इतना लिप्त नजर आ सकता है कि वे पढ़ाई को दरकिनार कर देंगे। घर के बड़े सदस्य या ननिहाल पक्ष के किसी भी सदस्य के साथ कुछ नोक झोंक की स्थिति बनी रहे। स्वास्थ्य को लेकर बुखार या हरारत महसूस हो सकती है। बीमारी को बढ़ने से पहले उनका इलाज अवश्य करें। हमारी अगली और सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के मन में यदि कार्यशैली के बदलाव को लेकर विचार आ रहे हैं तो इन बातों पर बॉस के साथ डिस्कशन जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई पर फोकस बनाएं, जल्द ही सफलता मिल सकती है। आसपास के जानवरों की देखरेख करें। मदद की उम्मीद से आए हुए व्यक्ति की मदद करनी है। सेहत में बाजार की बनी हुई खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी जिस कारण आपको ऑफिशियल कार्यों को घर से ही करना पड़ेगा। केवल ग्राहक ही नहीं, आपको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। समय को देखते हुए सभी लोगों के साथ सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। करियर को लेकर सतर्कता बरतें। यदि इन्वेस्टमेंट के तौर पर संपत्ति खरीदने पर विचार बना रहे हैं तो यह काम अवश्य करें।
सेहत में जिन लोगों की थायराइड की समस्या, उन्हें दवा समय पर लेनी है। हमारी अगली और नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोग यदि ऑफिस अक्सर लेट पहुंचते हैं तो इस आदत को वक्त रहते सुधार लें, अन्यथा आपका नाम खराब कर्मचारियों की लिस्ट में दर्ज हो सकता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उन्हें न केवल प्रोडक्टिविटी बल्कि पैकेजिंग का भी खास ध्यान रखना है। युवाओं को कार्य लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। घर परिवार से दूर रह रहे लोगों को परिजन से बातचीत कर मन को प्रसन्न रखना है। सेहत में यदि काम के चलते प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इस बात पर विचार करें, क्योंकि उत्तम शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए नींद बहुत जरूरी है। हमारी अगली और दसवीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जिन लोगों ने अभी नई नौकरी ज्वाइन की है उनको जिम्मेदारियां ज्यादा और लाभ कुछ कम मिलेगा। साख और गरिमा पर आंच आने न दें। ऐसे में व्यापारी वर्ग को अनुचित कार्य और विवादों से दूर रहना है। विद्यार्थी वर्ग का अपने ही खास मित्र के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। वैसे भी कॉम्पिटिशन आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपके सच कहने की आदत बहुत से लोगों का दिल दुखा सकती है, इसलिए कुछ स्थिति में मौन रहना जरूरी है। सेहत में हाइजीन रहना है। कहीं से लौटने के बाद आपको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, यानी आप तुरंत कपड़े चेंज करें और अच्छे से हाथ धोएं। हमारी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग ऑफिस में विनम्र व्यवहार बनाए रखें। उच्च अधिकारियों के साथ अनबन होने की आशंका है। व्यापारी वर्ग यदि किसी नई कंपनी के साथ अनुबंध करने जा रहे हैं तो अपनी ओर से भी कागजी कार्यवाही पूरी रखें। युवा वर्ग को अपने से छोटे व्यक्ति के साथ नरमियत से पेश आना। आपके पास जो भी ज्ञान है उसे साझा करें। परिवार में छोटे सदस्यों पर बेवजह हुक्म न चलाएं। उनके संग प्यार की भाषा का उपयोग करें। हेल्थ में फीवर आने की आशंका है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हमारी अगली और बारहवीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों को कार्य स्थल पर आज के दिन सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। सहयोगात्मक रवैया आप सभी को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करें। ग्रहों की स्थिति देखते हुए आपके पुराने व्यवसायिक संबंध पुनः अच्छी स्थिति में आएंगे। युवा वर्ग के अंदर मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, जिसे अन्य लोग नोटिस करके आपको कई काम सौंप सकते हैं। आज के दिन प्रियजनों से अपनी दिल की बात साझा कर सकते हैं। उनसे बात करके आप काफी हल्का महसूस करेंगे। सेहत में आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना है। बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धन्यवाद।